What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill. हम शांत चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की बारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। The aim was to capture the lifeline of India or to that extent deny the lifeline. The road which goes from Srinagar to Leh and beyond, by observation fire they were dominating it. The aim was not to allow anything to move so that holding on to Siachen and Leh would become operationally not unsustainable. Unfortunately for Pakistan and for Musharraf, they did not realize the resolve and the strength of the Indian armed forces. CEO Vinod Joshi on the radio said, after the another Mankar was captured, the my company's success kingdom was, ye dil mange more. लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे